ये है कॉर्न सिटी इंडिया और आप देख रहे हैं CCI डिजिटल नेटवर्क। क्योंकि 4 तारीख को हमने रैली के माध्यम से शासन को एक प्रतिवेदन दिया था कि यदि हमारी मांगे पूरी होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल नहीं करेंगे, और हम लोग 8 तारीख के बजट की रास्ता भी देखे सभी बहनों ने कि हमारे लिए सरकार कुछ करेगी, लेकिन हमारे लिए सरकार ने जीरो करी। उसमें हमारे लिए आंगनवाड़ी के लिए कोई योजना नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है, कोई दया नहीं है। इसके लिए हम लोगों को अनिश्चितकालीन हड़ताल के ऊपर बैठना पड़ा सभी बहनों को, और 10,000 हमारी हड़ताल जो है वो जायज है, क्योंकि 10,000 की राशि मिलती है, हमको मानदेय मिलता है सिर्फ 10,000। इतना कम है, हमसे ज्यादा तो मजदूर कमा लेता है, उनकी भी राशि वो डेली जाता है, उसको 500 रुपए मिलते हैं, महीने भर का लगाओ तो 15,000 रुपए भी वो कमाता है, लेकिन हम तो 10,000 रुपए कमाते हैं। और फिर परिवार तो महिलाओं को चलाना पड़ता है ना, हर महिला चाहती है, हर माँ चाहती है कि उसकी औलाद कुछ बने, उसका बच्चा कुछ, हम कुछ दे उसको, कुछ खरीदी करके दे, उसकी इच्छाएं पूरी करे और कुछ उसको बनाए। तो 10,000 में कौन माँ अपने बच्चों को पेट भर से खाना ही खिलाएगी, वो भी अच्छा खाना नहीं खिलाएगी, एक जीवित रहने के लिए खाना खिलाएगी, ना कि कुछ बनाने के लिए खिलाएगी। इतनी कम राशि होती है और महंगाई कितनी बढ़ रही है। इसके माध्यम से हम सरकार को अवगत कराते हैं कि हम रेगुलर करो, सब चाहते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं बन रहा अभी, करते तो कम से कम हमारी राशि 15,000-18,000 तो कर दो, ताकि हम लोग कुछ तो मतलब कुछ शांति रखें। और फिर आपकी रेगुलर वाली जो करने वाली की रास्ता देखते रहे, हम शांत हो जाएंगे, लेकिन ना हमको रेगुलर कर रहे, ना हमको पेमेंट बढ़ा रहे और ना हमारी तरफ ध्यान दे रहे। जिसमें हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का काम नहीं करती है, सभी डिपार्टमेंट का काम करती है। टीकाकरण की जानकारी सीधी NMI की आंगनवाड़ी में, अगर कोई योजना सर्वे करना है, जनसंख्या कितनी है, कोविड में कितनों को टीकाकरण हुआ है, कितने बच्चे हैं, ये सब कौन देता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से तो जाता है। जो भी डिपार्टमेंट को अगर कुछ मतलब कोई जानकारी देना रहता है, वो सीधे सर्वे करने वार्डों में नहीं घूमता है, वो सीधे आंगनवाड़ी में आ जाता है, क्योंकि मालूम है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सर्वे करती है, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करती है, क्योंकि हम आंगनवाड़ी किसके यहाँ जन्म हुआ और किसके यहाँ मृत्यु हुई, जन्म से मृत्यु तक पूरी जानकारी रखती है और हर योजना का लाभ हर हितग्राहियों को देती है। तो क्या हम लोग बेकार है, हमारे पास हमारा परिवार नहीं है, हम अपने परिवार का भी हमको दायित्व निभाना पड़ता है कि नहीं, लेकिन हम काम सभी को नौकरी जरूरी है, हम ईमानदारी से अपनी मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं और हर योजना की जानकारी देते हैं। कई बार तो हमको ऐसा मौका आता है, ऑनलाइन काम हो रहे हैं, ऑनलाइन काम जब से हो रहे हैं, जब से कोई लिमिट नहीं है हमारे समय की, हमको रात को भी बोलते हैं कि ये जानकारी देना है, आधा घंटे में देना, बैठ जाते हैं, जल्दी से काम करें, 11 बज रहा, 12 बज रहा, फट से अपनी रिपोर्ट बनाते, तुरंत जानकारी देते हैं। तो जब हम सब लोग इतना कर रहे हैं तो हमारे को भी तो कुछ हक है ना कि हमको उसका फायदा मिले, कुछ तो एडवांटेज मिले हम लोग को उसका। तो हम यही चाहते हैं, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जो कर रहे हैं, हमारी मांगे पूरी कर दी जाए, हड़ताल समाप्त हो जाएगी। 10,000 बहुत कम राशि होती है, कम से कम 15,000-18,000 की जाए राशि हमको, किराया भी हमको बहुत कम मिलता है, 750 रुपये किराया मिलता है। अब शहरी में 750 रुपये में क्या आता है आप बताओ, एक छोटा सा रूम भी नहीं मिलता है।